केचप है, सब मेरे पास रहता है, हमेशा बनाते रहते हैं। ये पास्ता मसाला है, इसको सबसे पहले ये गर्म पानी से हम लोग हटाएंगे, नहीं तो पास्ता आप लोग को दिखाना, मतलब आप लोग को बताना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए पास्ता बिल्कुल रेडी है और कितना कलरफुल दिख रहा है, जरूर मन कर रहा होगा पास्ता खाने का। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। अभी रात के बज रहे हैं 10 और मेरा आज खाना बनाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि शाम में ही हम बहुत कुछ खा लिए थे तो सोचे कि हम नहीं खा पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमको ना बहुत तेज का भूख लगा है तो सोचे कि क्या बनाए। अगर हम खाना बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, ऑलरेडी 10 बज रहा है, खाना बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा से ऊपर ही चाहिए। तो हम किचन में गए तो मेरे पास पास्ता है और पास्ता जितने चीज़ों में बन जाए वो सब अवेलेबल है, तो हम लोग चलते हैं पास्ता बनाने। किचन में आ गए हैं और पास्ता का सारा तैयारी कर लिए हैं। तो ये तो देखिए, ये तो केचप है, सब मेरे पास रहता है, हमेशा बनाते रहते हैं, ये पास्ता मसाला है। और इधर देखिए, ये ना हम सब्जी सब काट लिए जो भी मेरे पास था। तो ये गाजर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, ये बंधा है, और ये हरी मिर्च और ये लहसुन काट लिए हैं। और ये देखिए, ये पास्ता है और इसको हम पानी बॉईल कर रहे हैं। इसको बॉईल करने के लिए पानी गर्म हो गया है, अब हम लोग इसको पास्ता को डाल देंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि पास्ता में थोड़ा सा नमक वाला अंदर भी चला जाए और इससे खिला खिला भी पास्ता होता है। और ये तेल थोड़ा सा हम लोग इस पानी में डाल देंगे ताकि हम लोग का पास्ता आपस में चिपके नहीं। तो ये हमारा पास्ता हो गया है बॉयल, इसको सबसे पहले ये गर्म पानी से हम लोग हटाएंगे, नहीं तो पास्ता जितना कुक हुआ है ओवर कुक हो जाएगा, इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और इसको ठंडे पानी से हम लोग इसको एक बार धो लेंगे, इस तरीके से इसको ठंडे पानी डाल दीजिए इसमें ताकि ये ओवर कुक ना हो। इसको अच्छे से ठंडा कर दिए हैं ठंडा पानी से। आपको पता है जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे ना, तो वहाँ पे ना गैस रखना अलाउ नहीं रहता है, लेकिन ना अगर मतलब कोई लड़की अगर चाय पीती है या दूध गर्म होता है ना, तो वो लोग हम लोग छुपा के ना इंडक्शन रखते थे। तो उस टाइम पता है क्या होता था, ये पास्ता खाने का बड़ा मन करता था, तो ये तो इतना ताम झाम ला नहीं, वो पास्ता वाला जो पैकेट आता था ना उससे हम लोग फटाफट पास्ता बना के जल्दी जल्दी खा लेते थे। वहाँ अलाउ नहीं रहता था कि आप खुद से खाना बनाओ, जो भी खाना है मेस में ही खाना है। तो हमको कुछ ऐसा ही लग रहा है, जब खाना अच्छा नहीं बनता था ना तो सारा खाना जब हम फेंक देते थे तो रात में लोग पास्ता बना के खाते थे। ये कढ़ाई हो गया है गरम और अब हम लोग डालेंगे इसमें तेल, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, हम सरसों तेल डाल रहे हैं। सरसों तेल जब भी गरम हो जाता है तभी बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल गरम हो गया है तेल। अब हम लोग इसमें डालेंगे ये लहसुन, हरी मिर्च और सारा चीज हाई फ्लेम पे ही होगा। आपको पता है जैसे ही हम लहसुन और मिर्च डाले ना, हम प्याज डालना काटना ही भूल गए थे, तो फटाफट देखिए ये प्याज काटे हैं। तो आप लोग ऐसा गलती ना कीजिएगा, प्याज पास्ता में पड़ेगा ही, क्योंकि प्याज के बिना अच्छा नहीं लगेगा। अब हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज, अब इसमें हम लोग डाल देंगे गाजर, और ये रहा शिमला मिर्च, बंधा, सबका बस कच्चा पन निकालना है। जैसे ही थोड़ा सा बस हल्का सा फ्राई हो जाए आप इस वक्त डाल दीजिए हम लोग का ये टमाटर, और टमाटर डालते के साथ हम लोग को डाल देना है नमक। तो थोड़ा सा इसको ढक देते हैं ताकि टमाटर गल जाए। पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम खाना ना बनाए हो और अचानक से भूख लग जाए, लेकिन जो मटियाना होता है ना बिहारी लैंग्वेज में कि मटिया दो, मतलब इग्नोर कर दो, तो इग्नोर करके सो जाते थे। लेकिन जब से हम वीडियोस बनाने लगे हैं ना, तो ऐसा कुछ भी हम करते हैं ना तो सोचते कि नहीं नहीं छोड़ो, चलो ना बना भी लेंगे, खा भी लेंगे और आप लोग को भी दिखा लेंगे। आप लोग को दिखाना मतलब आप लोग को बताना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जो भी करते हैं आप लोग के लिए करते हैं और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा भी लगता होगा और आप लोग देख के बनाते भी होंगे। ये टमाटर गल गया है, अब इसमें कुछ खास मसाला नहीं जाएगा, ये हम लोग का रेड चिल्ली पाउडर। तो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं ये डार्क सोया सॉस, टमाटो केचप, ये है रेड चिल्ली सॉस, ये रहा हम लोग का पास्ता मसाला।
जरा सा पानी डाल रही हूँ, एकदम थोड़ा सा, कि बस ये चीज़ ना आपस में मिल जाए, बस उतना ही, पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल पास्ता, ये सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले आपस में मिल गए हैं और ये आप एकदम थोड़ा सा इसमें विनीगर डाल देंगे। तो ये रहा, थोड़ा सा विनीगर डाल दिए, तो ये हमारा पास्ता हो गया है रेडी। अब हम लोग इसको खाने की तैयारी करते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल पास्ता है ये। ये देखिए पास्ता बिल्कुल रेडी है और कितना कलरफुल दिख रहा है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल पास्ता बनाया है। और अब हम इसको पहले खा कर बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा औसम बना है और आप लोग, मतलब आप लोग से बात करते करते इतना फटाफट बन गया ना कि मेहनत भी नहीं लगा हमको बनाने में, और टेस्टी भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोग बताइएगा कि मतलब रात में जैसे हमको भूख लगा तो हम पास्ता बना दिए, आप लोग को कभी भूख लगा है तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर तो मैगी बनाकर खाते होंगे अगर भूख लगता होगा, लेकिन हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब ऐसा आप लोग के साथ होता है कि रात में अचानक से भूख लग जाए तो आप लोग क्या खाते हैं। मैं तो आज पास्ता बनाकर खा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है यार, रात में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग भी जाइए पास्ता बनाइए, और अगर ये रात में वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को ज़रूर मन कर रहा होगा पास्ता खाने का, तो आप लोग भी मेरी तरह फुर्तीले बनिए और बेड से उठिए और फटाफट पास्ता बनाइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।